जिला नियोजन समिति द्वारा पालक मंत्री नितिन राउत की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। इस दौरान जिला नियोजन समिति सदस्य किशोर चौधरी द्वारा विकास कामों के लिए निधि नहीं मिलने पर नाराजगी जताई गई। साथ ही विकास कामों के लिए निधि की मांग की, लेकिन उसी दौरान राज्य के पशु संवर्धन एवं दुग्ध मंत्री सुनील केदार द्वारा भरी सभा में गैर बर्ताव किया गया, लेकिन फिर भी विकास निधि लेकर रहेंगे, ऐसा किशोर चौधरी द्वारा कहा गया। जिला नियोजन समिति द्वारा पालक मंत्री की अध्यक्षता में सभा संपन्न हुई। जिला नियोजन समिति की सभा में सदस्यों द्वारा साल भर के विकास कार्यों का लेखा जोखा दिया जाता है। साथ ही अगर विकास कार्यों में किसी तरह की रुकावट आए या फिर इन विकास कार्यों के लिए पर्याप्त नीति उपलब्ध नहीं मिलने पर सभा के दौरान सभी कार्यक्रम का लेखा जोखा सभा के अध्यक्ष को दिया जाता है। ऐसा ही नियोजन समिति के सदस्य किशोर चौधरी द्वारा विकास कामों को निधि नहीं मिलने से नाराजगी जताते हुए विकास निधि की मांग की गई, लेकिन उसी दौरान मंत्री सुनील केदार द्वारा गैर बर्ताव करते हुए सदस्य को चुप बैठने को कहा गया। मंत्री महोदय का गुस्सा करने का कारण, मैं भी उसी विधानसभा से आता हूँ, सावनेर विधानसभा। सावनेर विधानसभा में जिस गांव का मैं रहवासी हूँ, दहगांव रंगारी में पिछले 8 सालों से निधि आया नहीं है। जिसमें गौण खनिज है 0, नागरी सुविधा अब तक 0, ठक्कर बाबा योजना अब तक 0, अनुसूचित जाति नव बौद्ध घटकांचा विकास वो 0, उसके बाद है जन सुविधा वो भी 0। दहेगांव रंगारी एक गांव शहर से लगकर है, लगभग 5000 के ऊपर की लोकसंख्या है, और वहां किसी भी प्रकार का अगर निधि नहीं दिया जाता तो रास्ते का विकास नहीं होगा, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। 4 किलोमीटर तक दहेगांव रंगारी का प्रीमाइसेस फैला हुआ है, इसलिए और मेरे लोगों की राष्ट्रवादी की वहाँ सत्ता है, ऐसे में काफ़ी अड़चन होती है। तो जो विषय थे वो विषय मुझे यहाँ रखना पड़ा, पर रखने के विषय यहाँ रखने के बाद में ऐसे विचार अगर कुछ लोगों के है तो ये उचित नहीं, इसके लिए हम निश्चित ही लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। चौधरी का कहना है कि दहेगांव रंगारी ये जो गांव है उसके विकास के लिए किसी भी तरह की निधि नहीं दी गई है, और यहाँ के विकास के लिए निधि मांगना मेरा कर्तव्य है, और जो बर्ताव आज हुआ है उससे हम डरने वाले नहीं है, हम निधि लेकर रहेंगे, ऐसा किशोर चौधरी द्वारा कहा गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।